स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले चार स्टॉक्स में आईजीएल और एमजीएल को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मुझे लगता है रेड ट्रेड होगा, क्योंकि गैस की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ने वाली हैं उसको पूरी तरह से पास ऑन कर पाना बड़ा मुश्किल है। और कितना पास ऑन करेंगे, फिर उससे वॉल्यूम कितना हिट होगा, इन सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इनमें थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये प्ले आउट होगा। अच्छा, आईओसी मेरी टीम में मुझे लगता है ग्रीन ट्रेड होगा। अभी आशीष ने बहुत ही आपको विस्तार में समझाया कि जब ये निफ्टी से बाहर हो रहा है तो इसमें जो इंडेक्स फंड होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, वो इसमें अपनी बिकवाली करेंगे। बिल्कुल सही बात। और इसीलिए कल बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक फ्लैट एकदम एक दो रुपये नीचे बंद हुआ है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रिंसिक वैल्यू पे इस समय है। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से रोज़ 80 पैसे बढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी अपने आप को उस स्थिति में ले आएंगे जहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइस को मैच कर देंगे। दूसरा जो है, इनके जो डिमांड है फ्यूल की, वो इंडिया में, मतलब इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सरप्राइज है कि इंडिया में फ्यूल डिमांड नहीं गिर रही है। तो इससे उनको बहुत मदद मिल रही है अपने आप को रिकवर करने। तो मुझे लगता है इस पर लोगों को नजर जाएगा। कल जो हैंगओवर था वो निकल गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आईओसी में, बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंस होते हुए आपको दिखेंगे। एक्सिस बैंक में चूँकि कल डील हुई, खबर सबको मालूम थी, सबने उसमें ट्रेड भी लिया होगा, जो भी है, लेकिन आज मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि दो तीन ब्रोकरेजेस हाउस जो जिन्होंने इस खबर के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने 930 रुपए का टारगेट दिया है, सीएलएसए ने 1080 का टारगेट दिया है और जेफरीज ने 1040 का टारगेट दिया है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज आपको उतना अच्छा ट्रेड ना दिखे, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखेगा। चलिए अगले जो चार